मीना के रसोई में आज बन रहा है आलू बैगन मिक्स सब्जी। देखिए ये कितना अच्छा सब्जी है, इस वीडियो के पूरा देखिए, एक एक करके डिटेल से बताएंगे। हेलो फ्रेंड, मीना के रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी गांव जैसे आलू बैगन मिक्स सब्जी। इस वीडियो के पूरा देखिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू बैगन मिक्स सब्जी बनाने के लिए तीन बैगन ले लिए है, तीन बड़ी साइज के आलू ले लिए है। आलू के उबाल लेंगे, बैगन के बारीकी से काट लेंगे। ये चाकू ले लिए, इसे काट लेंगे। इस तरह पीछे के पार्ट हटा देंगे, ये बारीकी से काट लेंगे। ये पानी ले लिए, इसमें आलू डाल लेंगे, दोनों हाथों से अच्छे से धो लेंगे। पानी से आलू अच्छे से धो लिए हैं। ये एक कुकर ले लिए है, कुकर में आलू डाल लिए है, पानी डाल लिए है, इसमें ढक्कन लगा लेंगे। इसे चूल्हे पर चढ़ा लेंगे, चूल्हे की जला लेंगे। चूल्हे जला लिए हैं, इसमें तीन से चार सीटी आ जाएगी तो इसे बंद कर देंगे। चार सीटी लग चुकी है, चूल्हा के कर देंगे बंद, इसे ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो चुकी है, इसमें के गैस निकल चुकी है, इसे देख लेते खोल कर। ये अच्छे से पक चुकी है, इसे नीचे उतार देंगे। कुकर से आलू प्लेट में डाल लिए हैं, इसे छील लेंगे। इस तरह से सारे आलू छील लेंगे। आलू छील लिए हैं, एक प्लेट ले लिए है, एक आलू ले लिए है, इसे हथेली से इसे बारीकी कर लेंगे। इस तरह से बारीकी कर लेंगे, सारे आलू इसी तरह से बारीकी कर लेंगे। इस आलू के बारीकी कर ली है, ये अभी गर्म है तो इसमें से अभी भाप निकल रही है। बैगन के बारीकी से काट लिए है, इसे पानी से अच्छे से धो लिए है। बैगन आलू के मिक्स सब्जी बनाने के लिए ये उबली हुई आलू ले लिए है, ये बारीकी कटी हुई बैगन है, ये सरसों तेल है, ये बारीकी कटी हुई हरी मिर्च है, ये हल्दी पाउडर है, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये अमचूर पाउडर है, ये सादा नमक है, ये साबुत जीरा है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये गरम मसाला पाउडर है, ये हरी धनिया पत्ता है, ये साबुत सौंफ है, ये साबुत काली सरसों है, ये बारीकी कटी हुई मूली है, ये बारीकी कटी हुई टमाटर है, ये बारीकी कटी हुई प्याज है। सब्जी बनाने के लिए फ्राई पैन ले लिया है, इसे चूल्हे पर चढ़ा लेंगे, चूल्हे की जला लेंगे। चूल्हे जला लिए, इसे गर्म होने देंगे। ये गर्म हो चुकी है, इसमें सरसों तेल डालेंगे, इसे गर्म होने देंगे। तेल के तेल गर्म हो चुकी है, इसमें आलू डालेंगे फ्राई करने के लिए, इसे फ्राई करेंगे। आलू फ्राई हो चुकी है, इसे प्लेट में निकाल लेंगे, सारे इसी तरह निकाल लेंगे। फ्राई किए हुए आलू इसमें निकाल लिए हैं, इसमें थोड़ा तेल डालेंगे, ये बारीकी कटी हुई बैगन फ्राई करेंगे। इसमें बैगन डाल लिए, इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। बैगन अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसे निकाल लेंगे। फ्राई किए हुए बैगन आलू इसमें निकाल लिए हैं, इसमें सरसों तेल डालेंगे, इसे गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुकी है, इसमें साबुत जीरा डालेंगे, ये सौंफ डालेंगे, एक काली सरसों डालेंगे, इसे थोड़ी सी फ्राई करेंगे। इसमें बारीकी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, बारीकी कटी हुई प्याज डालेंगे, इसे अच्छे से चला लेंगे। इसका कलर थोड़ी सी डाउन होने देंगे, प्याज का कलर डाउन हो चुकी है, इसमें बारीकी कटी हुई मूली डालेंगे, इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। मूली के कलर डाउन हो चुकी है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे। इसमें सादा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ी सी पानी डाल लेंगे, इसे अच्छे से चला लेंगे। इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, एक कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये अमचूर पाउडर डालेंगे, ये गरम मसाला पाउडर डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सारे मसाला मिक्स हो चुकी है, इसमें थोड़ी सी पानी डाल के इसे अच्छे से चला लेंगे।
इसमें धनिया पाउडर नहीं डाले हैं, आप अपने हिसाब से धनिया पाउडर डाल सकते हैं। इसमें ढक्कन लगा के इसे 2 मिनट पका लेंगे। लो आंच पर पकाएंगे, तेज आंच पर नहीं पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, इसे देख लेते हैं। ये मसाला अच्छे से पक चुकी है। ये बारीकी कटी हुई टमाटर डालेंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें पानी डालेंगे, इसे अच्छे से चला लेंगे। इसमें फ्राई किए हुए आलू बैंगन डालेंगे, इसे चला लेंगे। इस कटोरी से 2 कटोरी पानी डाले हैं, इसमें ढक्कन लगा लेंगे। इस सब्जी के 2 से 3 मिनट पका लेंगे तेज आंच पर। 3 मिनट हो चुकी है, ढक्कन हटा के इसे देख लेंगे। आलू बैंगन की सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। गैस क्या कर देंगे बंद, सब्जी को नीचे उतार देंगे। सब्जी को नीचे उतार दिए है, इसे धनिया के पत्ता से सजा लेंगे। इस तरह से सजा लेंगे, धनिया के पत्ता से सब्जी सजा लिए है। गाँव जैसी आलू बैंगन मिक्स सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। इसे घर में बनाइए, टेस्ट कीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे अगले वीडियो आप तक पहुँच पाए। हम मिलते हैं अगले रेसिपी में, जब तक अपना और अपनों के ख्याल रखिए। नमस्कार।